अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल यूनिक। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपके साथ सिंपल सी ड्रेसेस की वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है, शर्ट की डिज़ाइनिंग है। जैसे मदर्स के ड्रेसेस होते हैं ना, उन पर थोड़ी थोड़ी डिज़ाइनिंग होती है, वैसे ही आप भी अपनी मदर्स के ड्रेसेस ऐसे ही थोड़े बहुत डिज़ाइन करके बना सकते हैं। तो हम जो है ड्रेस देखते हैं। एक ड्रेस ज़रा फैंसी है, वो आपको मैं दिखा देती हूँ, उसकी डिटेल्स भी बता देती हूँ, साथ ही साथ ये वाले ड्रेसेस भी हम देखते जाएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जी मैंने फर्स्ट ड्रेस जो है वो ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं। गोल गला इसका है और बिल्कुल सिंपल जो पट्टी होती है ना, मगजी बनाकर, मोटी मगजी बनाकर वो लगाई है। जो ट्राउज़र के साथ हमारा कपड़ा था उसके साथ ही लगाई है। तो जो ये जो पट्टी है, आप इसके चाहे तो बटन्स यूज़ कर सकते हैं, कोई फैंसी बटन्स। हमारे ड्रेस पे ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड थी तो हमने इतना फैंसी लुक नहीं देना था, इसलिए बटन यूज़ नहीं किए। आप चाहें तो कर सकते हैं। ये जो गला है, ये आजकल रेडीमेड पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इस पर हम जो बाजू की डिज़ाइनिंग है वो देख लेते हैं। बाजू की डिज़ाइनिंग इस तरह से है, सिंपल ट्रायंगल वर्क किया गया है। पहले ट्राउज़र के साथ का ग्रीन कलर का कपड़ा यूज़ किया गया है, डार्क सिंपल ही। उसके बाद इसमें कॉम्बिनेशन में इसकी एम्ब्रॉयडरी में ये कलर है ऑफ वाइट स्किन सा, ये यूज़ किया है। तो ये डबल कटा हमने लगाए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब इसका दामन देख सकते हैं आप, सेम इसी तरह से इसका दामन भी बनाया गया है कटा वर्क के साथ, ठीक है जी। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इस तरह से अपनी शर्ट्स को डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी साइड्स पर ग्रीन कलर के कपड़े के साथ बाइंडिंग कर सकते हैं, तो इन्हेंजमेंट ज़्यादा आ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया ये मदर्स के ड्रेसेस हैं, तो मदर्स ज़्यादा डिज़ाइनिंग पहनती नहीं है, इसलिए थोड़ी लाइट डिज़ाइनिंग करें ताकि उनकी पर्सनैलिटी पर भी कोई इस तरह से हार्श सी लुक ना आए। सिंपल डिसेंट से जो डिज़ाइन है वो मदर्स को अच्छे लगते हैं। तो हम नेक्स्ट जो है शर्ट वो देखते हैं। ये जी नेक्स्ट शर्ट ओपन कर ली हमने। तो इसका जो है गला वो थोड़ा सा इस तरह से है, इस तरह मीर बनाया है, गोल नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन है। और इसका जो बाजू है, इस पर सिंपल गोल कटांग बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कटांग कितने नीट तरीके से बनाए गए हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। तो इस तरह से, तो इसकी जो शर्ट है सिंपल लाइनिंग में थी, इस पर ना कोई गला था और ना ही कोई बॉर्डर है, तो इसलिए हमने इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो सिंपल ही तरीके से की है। इसके लाइनिंग में ही दो प्लेट्स हमने दिए हैं, बारीक बारीक से प्लेट्स हैं, ज़्यादा मोटे प्लेट्स नहीं हैं, ताकि ये फ्रॉक की लुक भी ना आ जाए। तो हमने ये जो प्लेट्स हैं ये एंड तक इसी तरह से कंटिन्यू रखा है हमने इसको। ये देखें, ये इसके जो दामन है, दामन के एंड तक जा रहा है, ठीक है। तो इसके भी हमने यहाँ पर सेम वही गोल कटांग किए हैं जैसे बाजू पे किए हैं। तो ये सिंपल सी डिज़ाइनिंग है, ये आपको घर में पहनने के लिए बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। आप अपने लिए भी बनवाना चाहते हैं, यंग है तो आप बनवा सकते हैं। उसके अलावा ये वैसे तो मदर्स के लिए ये ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग है। तो अब हम नेक्स्ट शर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका गला देख लें, गोल नहीं है, हल्का सा वी शेप में है। उसी वी शेप में हमने अगेन वही मोटी मगजी वाली जो है पट्टी बनाई है, पट्टी को हमने सिंपल रखा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग है वो ट्रायंगल सी है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं साइड्स पे, ये हमने बनाकर नहीं लगाई, ये ऑलरेडी शर्ट में ही डिज़ाइनिंग है, लेकिन ये इस तरह से इसकी लुक आ गई है। हमने इसको मिडल में लेके आए हैं और इसके दरम्यान में पट्टी बना ली कि इसकी साइड्स भी ऐसे लगे कि कटावर्क हमने खुद किया है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये ऑलरेडी शर्ट की प्रिंटिंग है। ये भी ट्रायंगल सा इसकी डिज़ाइनिंग थी, तो हमने इस पे जो है ट्रायंगल वर्क ही किया। तो अब आप देखें कि हमने इसी शर्ट के जो कंट्रास्ट कलर्स यूज़ किए हुए थे, एक ऑफ वाइट है और एक ये मस्टर्ड कलर है, वही हमने दो कलर्स लिए सिंपल कपड़े में मार्केट से। थोड़ा सा कपड़ा लें आप, उससे डिज़ाइनिंग करें, और ये हमने मस्टर्ड कलर और वाइट कलर लेकर इसकी डिज़ाइनिंग की है और अंदर इस तरह से बाइंडिंग की है। तो अब इसका दामन देख लेते हैं हम। इस तरह से इसका दामन है,
इसका दामन भी बहुत ही खूबसूरत है, इसके चॉक्स पे भी डिज़ाइनिंग है और इसके दामन पे भी डिज़ाइनिंग है। जैसे हमने इसकी बाजू पे डिज़ाइनिंग की थी, दो दो ट्रायंगल वर्क किया है हमने, थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के, तकरीबन 3 उंगलियों का फासला छोड़ के हमने ट्रायंगल वर्क किया है, एक मस्टर्ड एक वाइट, 3 उंगलियों का फासला छोड़ के एक मस्टर्ड एक वाइट कटान वर्क करके अंदर जो है इस तरह से बाइंडिंग करके इसको नीट लुक दे दी है। वरना जो कटान वर्क की अंदर वाली ये जो कपड़ा है वो अंदर से नज़र आएगा और वो बुरा लगेगा, तो इसलिए आप बाइंडिंग ज़रूर किया करें, वो कपड़े की खूबसूरती को बढ़ा देता है और सिलाई में भी इस तरह से नीटनेस आती है। सबसे पहले ये जो शर्ट है, अब इसकी स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स इस तरह से हैं, ये इलास्टिक वाली स्लीव्स हैं, ये देखें इस तरह से बिल्कुल कंफर्टेबल रहती हैं। पहनी हुई देखें, मैंने भी पहनी हुई है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई निशान नहीं है इस तरह से, तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, देखें कोई निशान नहीं। जैसे चाहें आप इसको ऊपर कर लें, नीचे कर लें, इसी तरह से ये स्लीव्स हैं। आप इसको काम करते वक्त अक्सर ज़रूरत पड़ती है, पानी लग जाता है, तो आप इसको ईजीली इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। तो अब हम इसका जो है गला देख लेते हैं। इसका सिंपल गोल गला है और दरमियान में इस तरह से वी निकाली गई है। वी के बाद इसके दरमियान में जो हमने है वो वी में सिंपल ट्राउज़र के साथ का कपड़ा लगाया है, उस पर प्लेट्स डाले हैं। प्लेट जो है हमने ऑपोजिट सिलाई के कलर से डाले हैं, जो कलर हमने ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया है उस कलर की सिलाई के साथ प्लेट डाले हैं और वी में कपड़ा बनाकर लगाया है। उसके बाद हमने ये लूप्स बनाकर लगाई हैं, बिल्कुल सात सात लूप्स लगाई हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है बटन्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, अगर आप लगाएंगे भी तो वो खूबसूरत नहीं लगेंगे, साइड्स पे भी नहीं अच्छे लगेंगे और ना लूप्स के साथ अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से ही इस गले की डिज़ाइनिंग खूबसूरत लग रही है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको उसका दामन शो कर देती हूँ। दामन कुछ इस तरह से है, ये दामन बिल्कुल सिंपल है इसका, और इसमें ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल सी हमने एक शटर लेस यूज़ की है। जो कलर हमने डिज़ाइनिंग के लिए ऊपर यूज़ किया है उसी की शटर लेस, उसी कलर में सेम शटर लेस लेकर वो इसके घेरे पे और इसके चॉक्स पे यूज़ किया है। इस तरह से शटर लेस की डिज़ाइनिंग भी बहुत ही खूबसूरत है और अंदर सेम उसी कलर का जो कपड़ा हमने डिज़ाइनिंग और लैस में यूज़ किया है वही कपड़ा हमने इसके साथ कंट्रास्ट करके, क्योंकि ये मर्जेंडा कलर इसके ड्रेस के कलर में भी मैच कर रहा था, वो उसमें भी यूज़ हुआ हुआ था, इसलिए हमने यही कलर लिया ताकि इसको इन्हेंस लुक मिले, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका बेस कलर जो है बहुत लाइट है, तो आप इसके साथ जब डार्क कलर लेंगे तो वो इसको अच्छी लुक देगा और इन्हेंस करेगा। इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि ये बाइंडिंग की है, सिंपल लुक है लेकिन पहनने में बहुत खूबसूरत लगेगी। तो अब आप इसका जो है नेक्स्ट शर्ट, हम लास्ट ड्रेस जो है वो देख लेते हैं अपना। तो ये जो ड्रेस है, ये ऑलमोस्ट सारे जो मैंने आपको ड्रेस दिखाए हैं वो सारे ब्रांडेड ड्रेसेस हैं, ज़्यादातर निशात के हैं। तो ये ड्रेस है, ये भी निशात का ही ड्रेस है, ये इनके लेटेस्ट वॉल्यूम में से था, शायद अभी भी अवेलेबल हो, मैं कुछ कह नहीं सकती। आपके पास अगर अपना अवेलेबल है तो आप इसकी डिज़ाइनिंग देखें और इस तरह से डिज़ाइन कर लें। ऑलमोस्ट इसकी जो कैटलॉग, इसकी जो ड्रेस पे पिक्चर थी वो सेम उसी तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो इसका जो गोल गला है, गोल गले के बाद इस पर हमने ये मोटी मगजी लगा कर गला बनाया है और गले के दरमियान में हमने एक फैंसी बटन यूज़ किया है। उसके साथ ये पर्ल्स यूज़ किए हैं, 3 पर्ल्स लगाए हैं, एक बहुत बड़ा है, 2 छोटे पर्ल्स हैं। तो इसी तरह ये 3 पर्ल्स लगा के गले के अंदर डिज़ाइनिंग की है। तो इसकी जो स्लीव्स हैं वो बिल्कुल सिंपल थी, जैसे कि इसकी शर्ट फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, स्लीव्स बिल्कुल सिंपल थी, तो हमने इसकी स्लीव्स को थोड़े सिंपल लुक से जो लुक चेंज करने के लिए इसकी पूरी स्लीव्स में बारीक प्लेट्स डाले हैं इस तरह से। और ये देखें इसकी जो आगे से बॉर्डर बनाया है हमने शर्ट का, वो इस तरह से हमने एक लैस यूज़ की है, वही लैस इसके यहाँ पर लगाई और सेम लैस वही हमने एंड पे लगाई है। और दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रही हैं सिलाइयाँ, ये हमने सेम जो इसका एम्ब्रॉयडरी का धागा है उसी कलर की सिलाइयाँ लगाई हैं, तो ये एम्ब्रॉयडरी की लुक ही दे रही हैं। ये मोटे धागे की सिलाई है, एंकर का धागा है उसकी सिलाई है, तो ये ज़रा ज़्यादा आपको नज़र आ रही हैं। तो आप देखें हमने इसके बाद इसके आगे पर्ल्स लगाए हैं इस तरह से,
दो पर्ल्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो अब हम इसकी जो है ये दामन की डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। दामन की डिज़ाइनिंग इस तरह से है कि ये देखें आप, सबसे पहले इस फुली एम्ब्रॉयडरी टी शर्ट पैच है इसके घेरे पर, और उसके बाद ये हमने इसमें जो है मसूरी का कपड़ा है उसकी जो बाइंडिंग है आपको बाज़ार से बनी बनाई मिल जाएगी, तो ये आप बाज़ार से बाय कर सकते हैं इजीली और अपने ड्रेसेस पे यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको फैंसी लुक देने के लिए थोड़ा सा ये फैंसी सी बाइंडिंग यूज़ की है। उसके बाद हमने इसके चौक्स पे और दामन पे जैसे बाजू पर पर्ल्स लगाए थे सेम उसी तरीके से पर्ल्स लगाए हैं इस तरह से। तो अब इसकी आपको मैं बैक साइड शो करती हूँ। बैक साइड बिल्कुल सिंपल थी, प्लेन थी, उसमें हमने ये जो है नीडल वर्क स्टिच वर्क खुद किया है जैसे मैंने आपको बाजू पे दिखाया है, उसी तरह से हमने इसकी बैक साइड पे भी एंकर के धागे की सिलाइयाँ लगाई हैं, सीधी सिलाई लगाई है बिल्कुल, और एंड पे इस तरह से पैच लगा दिया है हमने। तो ये बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है कि आपको पीछे से भी जो आपकी शर्ट है ना वो सिंपल नहीं रहती, डिज़ाइन हो जाता है थोड़ा सा। तो इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र पे भी इस तरह से डिज़ाइनिंग है। सबसे पहले तो तीन प्लेट हैं, ब्रीक तीन प्लेट्स हैं, उसके बाद ये एक मोटा प्लेट डालकर उसमें उसकी टाई बनाई गई है, और टाई में एक पल लगाया गया है। आप चाहें तो पल्स को स्किप कर सकते हैं और चाहे तो लगा भी सकते हैं। उसके बाद एक लैस है, फिर उसी तरह से टाई वर्क किया गया है, और फिर एक लैस है इस तरह से। तो आप चाहें तो इसका ट्राउज़र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैक का भी ले सकते हैं। तो ये ड्रेसेस की वीडियो थी आज की हमारी। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।